नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. December 21st, 2017. Yes, that's today. December 21st, 2017 should have been one of the many dates that crowd a calendar. Well, no longer. For us, December 21st is a special day. A moment that shall be engraved in gold in the history of Maharashtra, in the annals of Indian cinema. We are here to witness the launch of a teaser of a Hindi and Marathi film on the life and times of Baal Keshav Thackeray. Courage was the middle name of Baalasaheb Thackeray. He loved a good fight for the cause of Maharashtra and its people. Controversies courted him. Fame sat lightly on his shoulders. Underneath a tough exterior was a man with a vision for Maharashtra. Betachits sharir yashti, parantu dhamnyat agicha lol. Samor ekach tara ani paytali angar, ha vajra nirdhar. Marathi madhyam vargat janmalelya eka tarunana आपल्या कुंचल्यानं काळाच्या भव्य पटावर उद्याची रेखाटन रेखावी, लाखो आयुष्यांना स्पर्श करावा, त्यांच्या साध्या सुध्या जगण्याला अर्थ बहाल करावा, हे सारं केवळ अद्भुत आहे. ह्या विस्मयाचंच नाव आहे बाळासाहेब ठाकरे. समकालीन भारत के इतिहास में बालासाहेब ठाकरे जी का अनन्य स्थान है और रहेगा. अग्निशिखा की भांति उनका व्यक्तित्व, समाज और समय के काल कूट को वे सहज पी गए. संकीर्ण राजनीति से परे हटकर भारत को शक्तिमान राष्ट्र बनाने का उनका स्वप्न हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है. कठोर परिश्रम और अविचल निष्ठा, ये बालासाहेब के जीवन का मर्म है. ऐसा अनुपम जीवन रुपेले पर्दे पर साकार हो, ये कईयों की इच्छा थी. बालासाहेब के शिष्य, शिवसेना के सांसद एवं सामना के कार्यकारी संपादक श्री संजय जी राउत ने मन में ठान ली और वे काम में जुट गए. इसलिए आज के दिन का महत्व है. आज 21 दिसंबर के दिन हम बालासाहेब ठाकरे की जीवनी पर बन रही फिल्म का टीजर देखने हेतु यहां जमा हुए हैं. बालासाहेब भारत के दिग्गज नेता थे. स्वाभाविक बात है कि सिनेमा का टीजर के विमोचन के लिए उन्हीं के जैसा कद्दावर व्यक्तित्व हो. आदरणीय अमिताभ जी के सिवाय अन्य नाम का विचार केवल असंभव था. एक बिग बी पर सिनेमा होने जा रहा है और इसकी घोषणा दूसरा बिग बी करे, यह सर्वथा उचित है. अमिताभ जी ने हमारी विनती का तुरंत स्वीकार किया, हम उनके आभारी हैं. मैं आदरणीय अमिताभ जी से प्रार्थना करता हूं कि वे टीजर का विमोचन करें. आ रहे हैं. शिवाजी पार्क ची ही गर्दी या घोषणा आणि लाखो मुखातून गरजणारा तो वाघाच्या डरकाळीसारखा आवाज आज इतक्या वर्षांनंतर अंगावर शहारे आले, डोळ्यात अश्रू आले आणि त्या महानेत्याच्या प्रतिरूप दर्शनानं सुद्धा आपण सर्वजण स्तंभित झालो. हा केवळ एक चमत्कार आहे. बाळासाहेब हे केवळ एक व्यक्ती नव्हते, ते एका काळाचं अपत्य होतं. ज्यांचा जन्म काळाची गरज होती आणि इथून पुढे सुद्धा राहील,
म्हणूनच या चित्रपट रूपी महागाथेचा श्री गणेशा आज आपण करतोय. मी महानायक श्री अमिताभ बच्चन, शिवसेना प्रमुख श्री उद्धवजी ठाकरे आणि सन्माननीय संजयजी राऊत यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. मैं संजय जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि श्री अमिताभ बच्चन जी का स्वागत करें. मैं संजय जी ने विनंती करतो कि ते शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे यांचं May I now request Sanjay ji to felicitate Mr. Arun Saraf, Managing Director, Saraf Hotels. Sir, would you come on stage, please? Mr. Puneet Singh, General Manager, Grand Hyatt. Balasaheb Thakre was a titan, a prince among his peers. To portray him on celluloid was a task which needed a director who could creatively decode a legend. There could be no one better than Abhijit Panse. Rege, Abhijit's much talked about film, is a testimony to his cinematic craft. Also, he is deeply influenced by Balasaheb's ideals. Little wonder then that Shri Sanjay Raut chose Abhijit to be the captain of the team. Ula Gaddi, The Onion, is an Indo-French film which Abhijit has helmed. He has also done the sound designing for this soon-to-be-released film, which establishes the young director's link with global cinema. Ladies and gentlemen, please join your hands for the young and talented Abhijit Panse. Abhijit, given the alarmingly high testosterone level of Hindi cinema, there was predictably enormous curiosity as to who would portray the lead role. Many from the world of cinema were the willing aspirants. Finally, the choice fell on Nawazuddin Siddiqui. Need we say that the fabulously talented actor richly deserves Balasaheb's role? बहुत कम कार्यकाल में अपने सुंदर भावात्मक अभिनय शैली से श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने लाखों के दिल जीत लिए हैं. वे फिलहाल मॉरिशस में शूटिंग कर रहे हैं, इस कारण आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बात वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं. आइए देखते हैं ये वीडियो. नमस्कार, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी. आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है. अहम इसलिए क्योंकि आज हमारा टीज़र रिलीज़ हो रहा है और मुझे ऐसी महान शख्सियत का रोल करने का मौका मिला है जिसको दुनिया का कोई भी एक्टर करना चाहेगा, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था. मैं इस भरोसे के लिए माननीय श्री संजय राउत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. उनका आभारी हूँ और उसकी सम्मति दी माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब ने.
उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारे डायरेक्टर अभिजीत फान से पूरा भरोसा है मुझे कि हम इस बायोग्राफी को अप टू द मार्क ले जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि आज जो ये टीज़र रिलीज़ कर रहे हैं वो महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सागल्याना हा प्रश्न पडला असेल की अरे हा मराठी कसा बोलेल, मी त्यांना खात्रीने सांगतो बाळासाहेब ठाकरे मला प्रेरणा देतील, आशीर्वाद देतील आणि त्यांची लाडकी भाषा मराठी माझ्यावरही तेवढंच प्रेम करेल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शिवसेना प्रमुख श्री उद्धवजींना विनंती करतो की आम्ही ठाकरेचं एक पोस्टर तयार केले, त्याचं अनावरण तुमच्या हस्ते व्हावं अशी इच्छा आहे। दोस्तों, ये चेहरा नवाजुद्दीन का है। वी ऑल नो श्री संजय जी राउत एज द सीनियर शिवसेना एमपी इन राज्यसभा एंड एज द फायर ब्रांड एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ सामना। वेटरन्स से ही इज टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स, बट व्हाट मेक्स श्री राउत स्पेशल टू ऑल ऑफ अस दिस इवनिंग इज दैट he has had a long association lasting 4 decades with Baalasaheb Thackeray. The late leader often said that he was not keen on writing his autobiography, and that Sri Raut's editorials and articles rightly summed up his life and ideology. Rich praise indeed. Sri Sanjay Raut ji ki kalam aag ugalti hai aur phool barsati hai, फुसलाती है और सहलाती भी है। वे लिखते हैं और लिखते जाते हैं, पाठकों को लगता है कि स्वयं बाला साहब उनसे बात कर रहे हैं। इसमें कतई शक नहीं है कि इस सिनेमा का निर्माण कर श्री संजय जी राउत बाला साहब को गुरुदक्षिणा दे रहे हैं। मैं श्री संजय जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार प्रकट करें। बाळासाहेब ठाकरेंना प्रणाम, मानाचा मुजरा। मंचावरील सन्माननीय आपल्या सगळ्यांचे प्रिय अमिताभ बच्चनजी, सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेब आणि आपण सर्व उपस्थित बाळासाहेब ठाकरेंचे प्रेमी, मैं महानायक जी का आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और हमें आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए हैं। फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा जो आपने देखा है वो सिर्फ टीजर है, फिल्म अभी बाकी है। कोशिश करूंगा कि बाला साहब का एक अच्छा बायोपिक बने, मेरे से एक अच्छा काम हो। पूरी जिंदगी मेरी बाला साहब के साथ गई, उनका आशीर्वाद रहा, और जो भी मैं बन पाया हूं अब तक वो बाला साहब की कृपा से ही बन पाया हूँ। जैसे मुझे किसी ने अभी पूछा मीडिया ने, तो मैंने कहा कि मैं पत्रकार बना वो भी बाला साहब ने बनाया, मैं संपादक बना सामना जैसे एक अखबार का वो भी बाला साहब ने बनाया, मैं सांसद बना वो भी बाला साहब ने बनाया, मैं शिवसेना जैसे एक बड़े पार्टी का नेता बना वो भी बाला साहब ने बनाया, और आज मैं फिल्म के निर्माण में आया हूँ वो भी बाला साहब ने ही मुझे प्रेरणा दी और बाला साहब ने बनाया है।
आपल्या सगळ्यांचं आयुष्य गेले 50 वर्ष बाळासाहेबांच्या सावलीखाली आपण वावरत राहिलो. माझंही राहिलं तसंच. गेले अनेक वर्ष मी प्रयत्न करत होतो. जेव्हा जेव्हा मी गांधी चित्रपट पाहत होतो किंवा नेल्सन मंडेला पाहत होतो, ये दो फिल्म देखने के बाद मुझे हमेशा लगा कि इस प्रकार की एक बायोपिक हमारे राजनीति के महानायक बाळासाहेब ठाकरे जी के ऊपर बननी चाहिए. बाळासाहेबांचं संपूर्ण आयुष्य हे अत्यंत पारदर्शक आणि प्रखर होतं. त्यांनी काहीच लपवलं नाही आपल्या लोकांपासून. खुले मैदान में हो, इंटरव्यू में हो, बाळासाहेब ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लोगों के सामने रखी. कुछ छुपाया नहीं. तो मैं ये कोशिश करूंगा बड़े स्क्रीन पर भी बाळासाहेब की ऐसी जिंदगी रहे, ऐसी कहानी रहे जिससे बहुत से पहलू शायद किसी को मालूम न हो, शायद मालूम भी हो. एक अच्छी टीम हमने बनाई है. हम कोशिश करेंगे 2019 में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हो और पूरे विश्व में बाळासाहेब. मैं तो ये भी सपना देखता हूँ जैसे गांधी ऑस्कर तक पहुँची, ऑस्कर मिला, वैसे हमारे ये फिल्म है ठाकरे को भी ऑस्कर का दरवाज़ा खुला हो जाए और इस हमारे महानायक को विश्व में मान्यता मिले. मैं उद्धव जी से और बच्चन साहब से प्रार्थना करूंगा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए. मेरी बात सिर्फ इतनी है कि बाळासाहेब ठाकरे सिर्फ एक बार पैदा होते हैं. हम भाग्यशाली हैं कि हमने बाळासाहेब को देखा है, बाळासाहेब के साथ हमने काम किया है, उनके विचारों को समझा है. इस फिल्म में भी मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि बाळासाहेब ठाकरे बार बार नहीं बनते और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बाळासाहेब जैसे व्यक्तित्व प्रेरणा देते रहे. उनका संघर्ष, उनका जीवन का संघर्ष, उनका राजनीतिक संघर्ष, एक सामान्य आदमी से एक महानायक, एक लोक नेता, देश के राजनीति के महानायक बनने तक का जो संघर्ष रहा वो हमें हमेशा प्रेरणा दे. यही मेरी तमन्ना रही और इसलिए मैं इस फिल्म निर्माण में आया हूँ. बस आप सबका आशीर्वाद रहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बड़प्पन विरासत में नहीं मिलता, उसे अर्जित करना होता है. बड़प्पन विरासत में नहीं मिलता, उसे अर्जित करना होता है. इस कहावत का प्रखर प्रमाण है शिवसेना अध्यक्ष सन्माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे. पिता के बुलंद विचारों को एवं उनके विभिन्न कामों को उद्धव जी निष्ठापूर्वक एवं सफलतापूर्वक आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. श्री उद्धव जी ठाकरे holds Maharashtra in the hollow of his palm and his heart beats for India. As Maharashtra's ace leader, he nurtures dreams and fuels hope in the heart of millions. As accomplished photographer, he clicks close-ups of a better tomorrow, combining art with politics. I now request Shri Uddhavji Thackeray to share his thoughts with us. माननीय अमिताभ जी, संजयला आता ला बोलून टाकलेलं, त्याच्यामुळे जी कसं बोलायचं. तरी माननीय संजय जी आणि उपस्थित बांधवांनो आणि भगिनींनो, झलक आपण पाहिलेली आहे आणि मला असं वाटतं संजय पुढचा चित्रपट कसा असेल
ते झलक दाखवून तू सिद्ध केलेला आहेस. चित्रपट जरी 2019 साली पूर्ण करण्याचा तुझा मनोरय असला तरी मी निश्चित सांगतो झलक पाहिल्यानंतर हा चित्रपट आजच यशस्वी झालेला आहे. विषय कठीण आहे कारण शिवसेना प्रमुखांवरती चित्रपट काढण्याचा मनोदय अनेकांनी माझ्याकडे व्यक्त केला. हे एक मोठं शिवधनुष्य आहे कारण शिवसेना प्रमुख आणि त्यांच्यावरचा चित्रपट हा एखाद्या हिरो हिराईनचा पिक्चर नाही आहे तर हा चित्रपट सर्वसामान्यांना हिरो बनवणाऱ्याचा हा चित्रपट आहे. सर्वसामान्य माणूस जो पिचला होता खचला होता त्याला एक आत्मविश्वास देऊन एक बळ देऊन ताठ पाटकण्याने उभं करणाऱ्या एका महानायकावरती हा चित्रपट आहे. आणि हा असा काही खूप जुना बरीच काही वर्ष लोटलेत त्या काळाला असंही काळ नाही आहे. एक गोष्ट खरी आहे की शिवसेना प्रमुखांनी कधी आपलं आत्मचरित्र लिहिलं नाही. ज्या ज्या वेळेला हा विषय निघाला त्या त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की मी मैदानातला माणूस आहे, पुस्तक बनून कपाटात राहणारा मी माणूस नाही आहे, मी मैदानातला माणूस आहे. जे काय आहे संकट असेल त्याच्या छातडावरती चालून जाणारा असा हा आपला नेता. आणि मग विचार असा येतो की नेमकं चित्रपटामध्ये काय दाखवलं जाणार किंवा काय दाखवायचं. अनेकदा आपण अनेक व्यक्तिमत्वावरचे चित्रपट पाहिलेले आहेत. सर्वसाधारणतः एक जन्मवर्ष असतं आणि अखेरचा दिवस असतो आणि मध्ये एक डॅश असतो. म्हणजे एखाद्याचं जन्मवर्ष असतं समजा जसं आता 1927 आणि 2012 आपण त्या दोन वर्षाला महत्त्व देतो पण मध्ये जो एक डॅश असतो खरं महत्त्व त्या डॅशला असतं कारण ते त्याचं आयुष्य असतं. आणि हे आयुष्य हे नुसतं स्वतःसाठी जगणारे अनेक लोकं असतात पण दुसऱ्यासाठी जगणारी जी लोकं असतात त्यांच्यावरती चित्रपट करणं हे फार मोठं काम आहे. आणि मला आठवते संजय काही जणांनी हा पूर्वीसुद्धा प्रयत्न केला होता. नाटक एक मी बघितलं होतं म्हणजे बघण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळेला शिवसेना प्रमुख होते आणि मला त्यांनी सांगितलं की अरे उद्धव जाऊन बघून रे काय केले जरा बघ तर खरी. आणि आता शिवसेना प्रमुख म्हटल्यानंतर कसं करारी व्यक्तिमत्व मग तो जो काय एक तो जो त्यातला शिवसेना प्रमुखांचं काम करणारा जो एक हे होता कलाकार तो नुसता इथून तिथे जाताना आम्ही ठाकरे आम्ही ठाकरे मग घरी आल्यानंतर मी मला बाळासाहेबांनी विचारलं काय रे बघितलंस का म्हटलं असं असं आहे असं तुम्ही घरात फिरता का तो नाही असं असं आहे. तर हे जे काही समज गैरसमज आहेत की आहे ना शिवसेना प्रमुख म्हटल्यानंतर लाखो काय करोडो लोकांना धीर देणारा आत्मविश्वास देणारा हा महापुरुष पण हा सरासरवरा तसंच वागायचं का. आणि मला असं वाटतं संजय आपण जे काही त्याने पाहिलं कदाचित आपल्यापैकी काही जणांना तो अनुभव आला असेल की स्वतः खरंच मी सांगेन मनाने हळवा किंबवना भोळा माणूस पण त्यांच्याकडे ज्या वेळेला एखादा गरीब गरीब म्हणजे नुसता परिस्थितीने नाही पण काही ताकद नसेल काही नसेल आणि त्याच्यावरती अन्याय झाला आहे म्हणून एखादी व्यक्ती यायची महिला असेल पुरुष असेल त्यावेळेला मग त्यांच्यातला तो वाघ असेल तो जिवंत व्हायचा आणि तो वाघ संपूर्ण जगाला देशाला तर नक्कीच आणि त्या गरिबावरती जो अन्याय करायचा त्याला घाम फोडायचा. आणि आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे अमिताभजी जब आपकी पहिली पिक्चर आई थी सरकार तो सारे लोग कह रहे थे कि ये बालासाहेब के ऊपर पिक्चर है. बालासाहेब को भी वो चित्रपट पिक्चर जब उन्होंने देखा तो वो भी स्वयं खुश हो गए कि त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रत्यक्ष बाळासाहेब होते का नव्हते पण विषय तोच होता की गोरगरीब माणूस त्याच्या मागे कोणतरी उभा राहतोय आणि त्याच्यावरती अन्याय दूर केला जातोय हा जो काही एक विषय होता तोच एक मला असं वाटतं या सगळ्या याचा गाभा आहे. शिवसेना प्रमुखांवरती टीकाही अनेकांनी केली समज गैरसमज अनेक पसरवले गेले आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर मला असं वाटतं संजय कदाचित हे बोलणं अतिशयोक्तीपणाचं होईल पण तुझ्यासारखा योग्य माणूस नसेल की तो त्यांच्यावरती चित्रपट करेल. ह्याचं कारण संजयने नुसतं शिवसेना प्रमुख म्हणून दुरून नाही बघितलं. तो जो काही भूमिका निभावतो आहे मग शिवसेनेचा तो नेता आहे सामनाचा कार्यकारी संपादक आहे
आणि त्यानिमित्ताने त्यांनी शिवसेना प्रमुखांना नुसतं जवळून नाही बघितलं तर त्यांचे विचार हे त्यांनी आत्मसात केले. नेमकं शिवसेना प्रमुखांना काय बोलायचं होतं, काय करायचं होतं, काय त्यांनी केलं हे त्याला चांगलं समजलेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे मोठं जे काही मी म्हटलं शिवधनुष्य आहे ते संजय तू समर्थपणे पेलल्याशिवाय राहणार नाही. साहजिकच आहे, जे जे काही करता येणं शक्य असेल, आमच्याकडनं जे काही करता येणं शक्य असेल, तुझ्यासोबत आम्ही सगळे उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाही. कारण हा चित्रपट केवळ कोणाच्या एका नेत्यावरती नाही आहे, केवळ माझ्या वडिलांवरती नाही आहे, तर ज्यांनी इतिहास घडवला त्या एका महापुरुषावरती आहे. आणि पुढच्या अनेक पिढ्या शिवसेना प्रमुख काय होते, कसे होते, त्यांच्याकडनं आपण काय घ्यायला पाहिजे हे जर का समजून घ्यायचं असेल तर मला असं वाटतं हा तुझा चित्रपट हा त्यांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल, तसा तो ठरावा. एवढ्या माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवियों और सज्जनों, कहते हैं कि मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ होता है या फिर श्रेष्ठता उस पर थोपी जाती है. मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ होता है या फिर श्रेष्ठता उस पर थोपी जाती है. इन दोनों तथ्यों के पुल पर खड़े हैं आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन. ही इज फार बियॉन्ड प्रेज एंड क्रिटिसिज्म. सुपरलेटिव्स बिगिन टू ब्लश इन हिज प्रेजेंस. श्री अमिताभ बच्चन ये एक विशेषण है जिससे समूचे भारत का परिचय होता है. सिनेमा और कला की दुनिया में अमिताभ बच्चन ये एक क्रियापद हैं. कृतिशील कर्मवीर श्री अमिताभ जी से मैं विनती करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें. आदरणीय उधर जी, आदरणीय संजय राज जी, देवियों और सज्जनों, सचिन जी ने बहुत ज़्यादा बोल दिया मेरे बारे में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय जी आपको कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है. बाला साहब के साथ मेरा बहुत ही एक निजी पारिवारिक संबंध रहा और कोई भी कार्यक्रम जब भी उनका होता है, कोई स्थापना हो, कोई कार्यक्रम हो, और जब भी वो मुझे बुलाते थे तो मैं जाता था. आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. क्योंकि ये कार्यक्रम बाला साहब से संबंधित है इसलिए तो मैं यहाँ, मुझे आना ही था. लेकिन सच्चाई थोड़ी सी ये है संजय जी की आपकी जो कलम है वो कलम नहीं तलवार की तरह कभी कभी लगती है, उसके डर के मारे में यहाँ आ गया. बाला साहब के बारे में ये फिल्म बनेगी और उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आप फिल्म में देखेंगे. एक मेरा अनुरोध था आपसे संजय जी की इस फिल्म को केवल 3 घंटे के मत रखिएगा. बाला साहब का जो व्यक्तित्व है वो 3 घंटे के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता. और मैं चाहूँगा कि जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि इसके कई सारी सीरीज़ बने, 10-12 सीरीज़ बने, 3-3, 4-4 घंटे की सीरीज़. आजकल तो वेब सीरीज़ पे सब देखते हैं इसे. उनका पूरा जो व्यक्तित्व है उसे सही तरह से व्यक्त करने के लिए इसे आपको बहुत समय चाहिए होगा. तो ये आपसे प्रार्थना है कि केवल इसे 3 घंटे के लिए सीमित न रखें. बाला साहब के साथ मेरा हमेशा, मैंने माना कि एक पारिवारिक संबंध रहा है. और पारिवारिक इसलिए रहा है क्योंकि जिस दिन से मैं उनसे मिला, न जाने क्यों उनको लगा कि मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ. ये उनकी उदारता थी, ये उनका बड़प्पन था. और मुझे इस बात का उदाहरण तब मिला जब तकरीबन 40 साल पहले जब उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला, तो मेरा विवाह अभी उन्हीं दिनों हुआ था. तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा विवाह हो गया है, मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, तुम घर आओ. तो मैं मातुश्री गया जया को लेकर.
और आईने जिस तरह से जया का वहाँ पर स्वागत किया अपने घर में, वो ऐसा स्वागत था जैसे आई अपनी स्वयं बहू का स्वागत कर रही हूँ अपने घर में। उस दिन से मैंने मान लिया कि बाला साहब जो हैं वो मेरे पिता समान हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मेरा संबंध इनके साथ हमेशा पारिवारिक ही रहेगा। कई ऐसे उदाहरण आए जीवन में हमारे जब बाला साहब ने एक परिवार के सदस्य की तरह अपना स्नेह और प्यार मुझे दिया। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही व्यक्तिगत हैं और बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो। 1982 में जब कुली के दौरान मैं घायल हुआ और कुछ दिन बेंगलोर में बेहोश रहा, वहाँ से जब ये तय हुआ कि वहाँ से मुझे मुंबई लाया जाएगा, तो बेहोशी के आलम में मुझे हवाई जहाज़ में बैठा के जब यहाँ मुंबई लाए, बरसात का मौसम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और सीधे एयरपोर्ट से मुझे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ले जाना था। उस समय कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिली मुझे ले जाने के लिए, लेकिन बाला साहब की शिवसेना एम्बुलेंस जो थी वो आई मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि अगर उस दिन उस वक्त वो एम्बुलेंस ना आई होती तो शायद और मेरी इस अवस्था गंभीर हो सकती थी। मेरे जीवन में कई बार ऐसी अवस्थाएं आई जहां पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे मुझ पर, और हर बार जब ऐसा हो तो बाला साहब मुझे फ़ोन करते थे और पूछते थे ये क्या है, ये सही है या गलत है, तुम आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो एक ऐसा एक आरोप लगा था मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा तुम बैठो मेरे सामने और मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम मुझे बताओ, सच सच बताओ ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है, और सच बोलना। मैंने कहा बाला साहब इसमें कोई तत्व नहीं है, बेकार है ये, तुम सच कह रहे हो कि नहीं। मैंने कहा जी हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बस अब घबराने की बात नहीं है, अभी बाहर तूफान चल रहा है, तुम अभी घर में बैठे रहो, ये तूफान बहुत जल्द ख़त्म होगा और जैसे ही ये ख़त्म होगा तब तुम बाहर निकलो, और जब तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। उतना सहारा उस समय किसी और इंसान ने मुझे नहीं दिया, इसीलिए हमेशा बाला साहब के मन में और मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही आदर रहा है। बाला साहब जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनके कमरे में जाने का अवसर मुझे उद्धव जी ने दिया। बाला साहब थे, उनके साथ एक कोई सहयोगी था, आदित्य थे और मैं था। एक इंसान को जिसको हमने इतना प्रबल देखा हो, आज शैया पे लेटा हुआ है और कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये असह्य दृश्य था। और प्रार्थना हम लोग करते जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए ऐसी कि वो जीवित हो जाए हमारे सामने, लेकिन ईश्वर की जैसी कृपा थी, वो क्षण मैं नहीं भूल पाता हूँ। और कभी भी इस तरह मैं नहीं चाहता था कि बाला साहब को इस अवस्था में देखूं, इतने प्रबल, इतने जोशीले, आज ऐसी शैया पर पड़े हैं और आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन एक और आश्चर्य की बात उस दिन मैंने उनके कमरे में देखी। मुझे पता था कि बाला साहब का स्नेह है मेरे प्रति, लेकिन मैंने देखा कि जहाँ वो लेटे हुए थे, सर के उनके दाहिने तरफ एक तस्वीर थी और वो तस्वीर मेरी थी। और मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मैंने कभी इसका अनुमान नहीं लगाया था कि बाला साहब कितना स्नेह और प्यार करते हैं मुझे। उस छवि को देख करके मैं बहुत गदगद हुआ और वो दृश्य हमेशा मेरे सामने रहेगा। मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को,
बधाई देता हूँ संजय जी आपको कि आपने ये एक बीड़ा उठाया है, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। यदि कभी भी इस फिल्म के बनाने के दौरान आपको लगे कि मेरा उसमें कोई सहयोग हो सकता है किसी भी प्रकार से, तो आप अवश्य बोलिएगा, मैं अवश्य उसमें भाग लेने का प्रयत्न करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। या इतक्या मोठ्या समारंभामध्ये खरं तर समोर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे आभार आम्हाला मानायचे आहेत, पण काही नावं मी घेतो। आम्ही यांचे मनपूर्वक आभारी आहोत। श्री परिमल नथानी, सुभाष रुणवाल, जॉईंट कमिशनर देवेन भारती आज इथे उपस्थित आहेत, आर डी शिंदे, मुंबईचे मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर, आम्ही तुमचे आभारी आहोत। आम्हाला ही सगळी व्यवस्था मनोज धुमाळ आणि त्यांच्या टीमनी, ग्रँड हयात कामगार सेनेच्या मुलांनी आम्हाला खूप मदत केली, त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। सागर मोरजारिया ऑफ नॅशनल डेकोरेटर, जीवन कामत ऑफ हॉटेल रिनायसन्स, रसिका कुलकर्णी अँड हर टीम, एंटायर टीम ऑफ NSE वर्ल्ड, यांचे आम्ही आभारी आहोत। सगळ्या माध्यमांचे आणि अर्थात फोटोग्राफर्सचे देखील आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। उपस्थित ठाकरे कुटुंबीय आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की फॅमिली यहां उपस्थित है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। यानंतर मी मान्यवरांना अशी विनंती करणार आहे की तुम्ही पुन्हा एकदा समोर स्थानापन्न व्हायचं आहे। मराठी टीझर आता आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत।